The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, जब भी किसी मेल फीमेल कपल को रिप्रोडक्शन यानी कि खुद से बच्चा नहीं होता है तो वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी उनकी इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाए, जो बच्चा नहीं हो रहा उनको बच्चा हो जाए। और ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मिला के इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोली गई है। इसमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो कि मान लीजिए आप फीमेल एग्स और मेल स्पर्म्स के साथ दोनों को हैंडल कर रहे हैं उनको ज़्यादातर बोला जाता है असिस्टेड, राइट। इसमें क्या होता है, आप फीमेल की बॉडी से एग रिमूव करते हैं और एग को फिर स्पर्म के साथ मिक्स करके स्पर्म के साथ मिला के एम्ब्रियो बनाया जाता है और इस एम्ब्रियो को इस बच्चे को इसको गर्भ में बच्चे के मदर के इसमें डाल दिया जाता है। इसमें जो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स को कई बार इसमें डोनर यानी किसी और के डोनर के एग्स, डोनर के स्पर्म्स या प्रीवियसली फ्रोजन एम्ब्रियोज भी यूज़ किए जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे भी चीज़ हैं। और कई बार इसमें सेरोगेट मदर्स या जेस्टेशनल कैरियर्स ऐसी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। सेरोगेट मदर मतलब कोई और फीमेल आपके बच्चे को लेके 9 महीने करेगी, जेस्टेशनल कैरियर्स ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सेरोगेट मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है एक स्पर्म से जिसको मेल पार्टनर दूसरे कपल के मेल पार्टनर के स्पर्म से दूसरी वुमेन प्रेग्नेंट होती है। और जेस्टेशनल कैरियर का मतलब अंडा और स्पर्म तो आप लोगों का है लेकिन सिर्फ वो एम्ब्रियो जो है वो दूसरे उनको डाला गया है, राइट। ये चीज़ ज़रूरी है, राइट। सो सेरोगेट मदर जो होती है वो उनका एग होता है सेरोगेट का, ये याद रखिए। सो ये डिफरेंस है। मोस्ट कॉमन जो ART का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लिकेशन सेम IVF का कॉम्प्लिकेशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। एक की जगह ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिपलेट्स भी होते हैं। सो ये एक है। और इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लिमिट करते हैं कि कितने एम्ब्रियोज वुमेन की बॉडी में डाले। जी हाँ, इसमें भी नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डाले जाते हैं। सो इसके बारे में अभी बातचीत करते हैं कि IVF कितने डिटेल में क्या होता है। देखिए, IVF बेसिकली वही चीज़ है, आप फीमेल एग लेते हैं, एक फीमेल वुमेन का एग लेते हैं, मेल का स्पर्म लेते हैं और उसको लेबोरेटरी डिश में आप उसको एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को बॉडी के आउटसाइड विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको इन विट्रो बोलते हैं। इन विट्रो बाहर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पर्म एग्स के अंदर जा रहा है और स्पर्म एग के अंदर गया, उसने इसको फर्टिलाइज किया, उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो होता है एम्ब्रियो। नॉर्मली ये सब आपके फीमेल की बॉडी के अंदर होता है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीमेल की जो यूट्रस है उनकी लाइनिंग में जाके, वूम्ब में जाके, अंदर जाके अटैच हो जाता है, अंदर चला जाता है और वहाँ ग्रो होता है और एक बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद। इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल या अनअसिस्टेड कंसेप्शन, राइट। IVF में असिस्टेड, जैसे मैंने कहा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसमें मेडिकल टेक्निक यूज़ होती है जिसमें हमने एक वुमेन जो पहले प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी उसकी मदद की जाती है प्रेग्नेंट होने में। ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती नेचुरल में, उनको प्रेगनेंसी में मुश्किल हो रही, नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए वो की जाती है। मोस्ट ऑफन इसी को सबसे ज़्यादा ट्राई किया जाता है और इसको तब यूज़ किया जाता है जब कुछ लेस एक्सपेंसिव जो दूसरे जो टेक्निक्स है, फर्टिलिटी टेक्निक्स जो नहीं काम कर रहे। तो अब इसका स्टेप्स क्या है, करते कैसे हैं इसको। फर्स्ट स्टेप है
स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन मीन्स सुपर ओव्यूलेशन। उसमें क्या होता है, आपको फीमेल को एक फर्टिलिटी ड्रग, दवाएं दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है फर्टिलिटी ड्रग्स, जिससे कि वुमेन जो है उनके एग प्रोडक्शन बूस्ट हो जाता है, बूस्ट हो जाता है और अंडे पैदा होते हैं। दैट इज वन थिंग। नॉर्मली एक वुमेन एक एग प्रोड्यूस करती है एक मंथ में, लेकिन इन दवाओं से वो बहुत सारे अंडे एक साथ प्रोड्यूस, सेवरल एग्स, राइट। और इस स्टेप में आपको फिर रेगुलरली वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, उससे देखा जाता है कि ओवरीज, और ब्लड टेस्ट रेगुलर किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कब आपका ओव्यूलेशन होगा, कब ओव्यूलेशन होगा। सब जब ओव्यूलेशन होता है तब सेकेंड स्टेप आता है एग रिट्रीवल। एग रिट्रीवल में एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें के फॉलिकुलर एस्पिरेशन बोलते हैं इसको, फॉलिकुलर एस्पिरेशन। इसको क्या करते हैं, एग्स को फीमेल बॉडी से निकालने के लिए। इस सर्जरी को आप डॉक्टर के क्लिनिक में कर सकते हैं, आउट पेशेंट प्रोसीजर है, इसके लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें आपको एक छोटा सा दवाई दी जाएगी, मेडिसिन, जिससे आपको पेन नहीं होगा। और इसमें भी आपका अल्ट्रासाउंड इमेज लिया जाएगा जिससे गाइड किया जाएगा आपकी छोटी सी एक नीडल को, जो वजाइना के थ्रू ओवरीज तक लेके जाएगी और फॉलिकल से अंडे जो है खींच लिए जाएंगे। इस नीडल को एक सक्शन डिवाइस पे अटैच किया जाता है जो अंडे उसमें से खींच लेते हैं, राइट। उसमें भी वन एट अ टाइम अंडे खींचे जाते हैं, एक एक करके, राइट। और इसी को फिर एक ओवरी में, फिर दूसरी ओवरी में किया जाता है। ऑब्वियसली सुई लग रही है तो बाद में आपको प्रोसीजर के बाद थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, थोड़ा क्रैम्पिंग हो सकता है, वो एक आध दिन में चला जाएगा। रेयर केसेस में पेल्विक लैप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है रिमूव करने के लिए एग्स। पेल्विक लैप्रोस्कोपी में पेट में छेद किए जाते हैं, नीचे से नहीं, पेट में तीन छेद किए जाते हैं, उसके थ्रू अंडे निकाले जा सकते हैं। ये दूसरा केस है। अब अंडे निकालनी है तो थर्ड स्टेप है इनसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इनसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन मतलब आप मेल का जो स्पर्म्स है उसको, जो बेस्ट क्वालिटी एग जितने निकाले उसमें से देखा जाता है किसकी क्वालिटी अच्छी, उसके साथ बेस्ट क्वालिटी एग के साथ मिक्स किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इनसेमिनेशन। उसको एक ट्रे पे मिक्स किया जाता है और ये एग एंड स्पर्म्स को एक एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड चेम्बर में स्टोर कर दिया जाता है, जो कि एकदम विमेन के ओवरीज, यूट्रस के जैसा उसमें एनवायरमेंट बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो काफ़ी सारे स्पर्म्स होते हैं तो एक दो एग होते हैं, तो वहाँ फिर क्या होता है, आपका एग के अंदर स्पर्म चला जाता है, इनसेमिनेट करता है। और इसमें हम ये देखा जाता है, इसमें भी अगर डॉक्टर को लगता है फर्टिलाइजेशन चांसेस कम है, तो फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर घुसाया जा सके, इंजेक्ट किया जा सके। इसे कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी किया जा सकता है। और ये मेल फर्टिलिटी में, जब मेल में प्रॉब्लम हो तो फिर रूटीनली ये किया जाता है, जब मेल के स्पर्म्स काउंट कम हो, एक्टिविटी कम हो, तब जरूर ये किया जाता है ICSI, राइट। तो ये जब हो गया, स्पर्म अंदर चला गया, तो क्या हुआ, मतलब ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो चौथा स्टेप है एम्ब्रियो कल्चर, राइट। एम्ब्रियो को बड़ा करना है। व्हेन फर्टिलाइजेशन डिवाइड्स, तो एग जब फर्टिलाइज, एग क्या होता है, डिवाइड करता है, एक के बाद एक, उसमें सेल्स डिवाइड होते हैं, वो एम्ब्रियो बनता है। और उसको फिर रेगुलरली चेक किया जाता है कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 दिन के बाद एक नॉर्मल एम्ब्रियो बहुत सारे सेल्स में डेवलप हो जाता है। और जिनको एक्चुअली हाई रिस्क होता है कोई जेनेटिक बीमारी एक बच्चे को पास करने के लिए, तो उन लोगों को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, PGD करके टेस्ट होता है, उसके थ्रू किया जा सकता है। प्रोसीजर में 3 से 4 दिन के फर्टिलाइजेशन के बाद लेबोरेटरी साइंटिस्ट एक सिंगल सेल निकाल लेते हैं उस एम्ब्रियो में से, और उसके जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो जाएगा इस बच्चे को। ये पॉसिबल है PGD, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिवाइसेस, मतलब बच्चे के एम्ब्रियो को मदर में डालने से पहले ही टेस्ट, ऐसा भी होता है। और अमेरिकन सोसाइटी के मुताबिक ये टेस्ट हेल्प कर सकता है आपको कई सारी ऐसी बीमारियां जो आपको है, आपको लगता है हमारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको, जैसे थैलेसीमिया हो गया या कोई ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि बच्चे को नहीं जानी चाहिए, वो चीज़ों के लिए टेस्ट की जा सकती है। नॉर्मल हैं आप लोग, तो आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं।
फिर पांचवा स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब अब जो बना हुआ एम्ब्रियो है उसको मदर के यूट्रस यानी मदर के गर्भाशय में 3 से 5 दिन के अंडे को डाला जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, राइट। और इस प्रोसीजर को भी डॉक्टर के ऑफिस में किया जा सकता है, इसमें भी आपको कोई बेहोश नहीं, एडमिट नहीं करना पड़ता है। एक छोटी ट्यूब डाली जाती है, कैथेटर डाला जाता है आपके अंदर नीचे से, जिसमें एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो जाके, एम्ब्रियो मतलब बच्चा होता है, वो वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू सीधा यूट्रस के ऊपर जाके डाल दिया जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के वॉल में स्टिक कर जाता है, लाइनिंग के अंदर चला जाता है और इसके थ्रू प्रेगनेंसी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डाला जाता है खप 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 एक साथ, ताकि ये ट्विन और ये प्रेगनेंसी भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि कोई स्टिक नहीं हुआ तो कम से कम ऐसा ना हो कि कोई भी स्टिक नहीं हुआ, है कि नहीं, वो भी ना हो। तो अभी ये चीज़ ना कि कितने स्टिक होंगे कितने नहीं, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसमें आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर है, आपके यूट्रस कितना, हार्मोन्स का क्या लेवल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वहाँ उस लेवल पे आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर डिसाइड करती हैं कि आपको कौन सा कितना एम्ब्रियो देना है, और जितने एम्ब्रियो नहीं यूज़ हुए उसको फ्रोज करके ना फ्रीज करके रखा जा सकता है, कि उसको बाद में आप अगर मान लो ये वाला अनसक्सेसफुल हुआ तो बाद में फिर यूज़ कर लेंगे सेकंड टाइम, या फिर उसको अगर यूज़ नहीं करना है, आपका सक्सेसफुल हो गया, आपको कोई काम नहीं है, तो किसी और को डोनेट भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है, करने वाले करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये हो गया पूरा प्रोसीजर कैसे होता है IVF, अब क्यों करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ भाई आपको ज़रूरत है क्या, सबको ज़रूरत है क्या, नहीं सबको नहीं ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनको इनफर्टिलिटी है, यानी या तो विमेन की एज ज़्यादा हो गई, एडवांस्ड मेटर्नल एज, फीमेल की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनको, उनके जो एग रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं और बेबी होने के चांसेस कम होते जाते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपके अंदर जो नीचे का फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज के बाजू में फेलोपियन ट्यूब जो है वो डैमेज है, जिसके वजह से एग पहुंच ही नहीं पा रहा, या फिर किसी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के वजह से, या पेट में पहले कोई ऑपरेशन हुआ, पेट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, ऐसी कोई बीमारी के वजह से वहाँ फेलोपियन ट्यूब सिकुड़ सकती हैं, डैमेज हो सकती है, उस वजह से एग वहाँ नहीं जा रहा, ये भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, मतलब यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है, आपके यूट्रस गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम, वहाँ इन्फ्लामेशन है, इस वजह से कभी भी बच्चा स्टिकी नहीं होता, कभी भी एम्ब्रियो स्टिकी नहीं होता, तो उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अभी कभी कई बार मेल में प्रॉब्लम होती है, मेल के अंदर डिक्रीज स्पर्म काउंट है, मेल के अंदर कोई ब्लॉकेज है अंदर, वहाँ पर प्रॉब्लम है जिससे स्पर्म आ ही नहीं रहे, ऐसी कोई चीज़ें हैं। तो फिर कई बार कोई रीज़न ही नहीं पता क्यों है, बस बच्चे नहीं हो रहे, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तब भी IVF किया जा सकता है। और क्या रिस्क है इसके, IVF का रिस्क है, अगर याद रखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, फिजिकल, एनर्जी, टाइम, मनी, पैसा सब इन्वॉल्व होता है। IVF के जो पैकेजेस होते हैं लाखों तक जाते हैं, अब ये अलग अलग एरिया में अलग अलग पैसे, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग पैसे हैं, सो पैसे आपको खुद पता करने पड़ेंगे, बट वो हज़ारों से लेके लाखों तक का पैकेज दिया जाता है, ये हम बता सकते हैं, राइट। और इसमें क्या है, जो लोग IVF लेते हैं नहीं होता है बार बार, तो वो इमोशनल ट्रॉमा होता है बार बार में, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ये भी याद रखिए। और जिनको IVF की मेडिसिन ली जा रही है, फर्टिलिटी मेडिसिन, उनके पेट में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी आ सकते हैं, ब्लोटिंग भी हो सकता है, राइट। इसीलिए कई सारी मेडिसिन IVF की कई दिन तक इंजेक्शन से भी दी जाती है, तो कई बार सुई लगने के भी निशान, सुई में भी वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। और रेयर केस में एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम की चीज़ होती है, वो भी हो सकती है। उसमें क्या होता है, पेट में, चेस्ट में पानी भर सकता है, पेट अगेन फूलेगा, रैपिड वेट गेन होगा, एकदम से वजन बढ़ने लगेगा, सो ये भी एक रैपिड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। इसमें आपका सांस फूलने लगेगा, तो ऐसा कुछ हो तो आपको फिर चेकअप करना पड़ेगा, दैट इज़ वन साइड इफ़ेक्ट, रेयर है, राइट। और अभी तक इससे ऐसी कोई भी मेजर रिस्क, कैंसर जैसा कोई रिस्क नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। आपको याद रखना है बाकी सारी चीज़ें
जैसे कोई भी IVF के वजह से बर्थ डिफेक्ट नहीं होता कि ऐसा बच्चा गलत पैदा हो जाएगा, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? और IVF के मल्टीपल प्रेगनेंसी हर बार होगी क्या? ऐसा नहीं होता, राइट? कई बार सिंगल प्रेगनेंसी होती है, कई बार डबल प्रेगनेंसी होती है, हर बार मल्टीपल होगी ऐसा नहीं होता कि IVF किया तो मल्टीपल ही होगी, याद रखिए। और ये भी नहीं है कि IVF बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बट है कॉस्टली थोड़ा सा, वो चीज़ आपको अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर से ही पूछनी पड़ेगी। क्या प्रोसीजर के बाद का प्रोसीजर क्या है? जब IVF कर लेते हैं तो IVF के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आपके डॉक्टर आपको अपने हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से बताएंगे कि आपके रिस्क कितना है, तो आपको बेड रेस्ट कंप्लीट लेना है कि नहीं लेना है। और ज़्यादातर लोग अपने काम पे, जो भी आप काम करते हैं घर पे, ऑफिस में, आप नेक्स्ट डे जा सकते हो। और IVF की जो मेडिसिंस हैं, पिल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उसके बाद आपको हॉर्मोन्स लेने होंगे प्रोजेस्टेरोन के, वो आपको 8-10 हफ्ते तक लेने होंगे जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एक हॉर्मोन है जो नॉर्मली आपकी ओवरीज बनाती है प्रिपेयर करने के लिए आपके गर्भाशय को, आपके यूट्रस को, क्या कि एम्ब्रियो अटैच हो और ग्रो हो। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है बच्चे को ग्रो करने के लिए, एक यूट्रस में इस्टेब्लिश होने के लिए। और प्रोजेस्टेरोन 8-12 हफ्ते तक लेते रहना पड़ता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम होगा तो बच्चे को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर को मिसकैरेज हो सकता है। और 12-14 हफ्ते के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाने के बाद उनका फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए, 12 से 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं। इसमें थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, साइड इफ़ेक्ट्स में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है यूरिन में, पेल्विक पेन हो सकता है, माइल्ड सा टेम्परेचर आ सकता है, वो नॉर्मल है। ज़्यादातर लोगों का ये सक्सेसफुल हो जाता है, कई लोगों का नहीं भी होता, उनको सेकेंड ट्राई किया जाता है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट IVF विच यू शुड नो एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आप इसके बारे में कोई भी सवाल हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, या आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो हमें हो सकेगा हम सवालों का जवाब देंगे। आई होप आपको समझ आया, होप आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।